US is expanding a nuclear alliance against China. I'm talking about AUKUS. That's a military club. Pure Asia Pacific, pure Africa, pure South Asia, Middle East mein. India ki takkar ka mulk jo ke head on hona chahta hai China ko. Is India part of this conversation? Australia, America aur Britain jo hai wo isme aur mulkon ko shamil kare jo China ke against alliance ban raha hai yahan pe. Ab isse uski taiyari kaise hoga, kya hoga, aap tasavvur kare ki aaj ki duniya mein Putin aur Xi Jinping dono jo hai वो खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की नरमी एब्सोल्युटली नॉट. और इमरान खान की नाजायज औलादों, तुमने कभी इंसान का एतबार किया? तुमने कभी ना मुल्ला को छोड़ा, ना मुफ्ती को छोड़ा, ना मजहब को देखा, ना इस्लाम को देखा? तुमने सिर्फ गाली बकी, तुमने सिर्फ गाली बकी, लोगों को रुसवा किया सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के बारे में बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सारे के सारे मवाल, अब ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं. अच्छा, अगर अमेरिकन सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स, ब्रिटिश सबमरीन्स ये इस खत्ते में आए, इंडियन खामोश होते हैं, इंडियन बोलते नहीं. चीनी जरा जी नेड़े आवे कहते हैं. सो इट मींस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एन एंटी चाइना अलायंस. दुनिया आगे की तरफ जा रही है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लो. पहला ट्रायलेटरल एक आप समझ लें कि कोई एक अलायंस बनने जा रहा है जिसमें फिलिपाइन भी है, जिसमें जापान भी है, और जिसमें ये जहन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्रायलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और इसका जो मकसद है वो ये है, एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना. याद रखना, तुम्हारा हाथ ऐसे ही फैला रहेगा, इसलिए कि खुद इनके दामन में तुम्हें देने के लिए रहम और हमदर्दी के सिक्के नहीं है. ये बेचारे भी मजबूर हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. ब्रिटेन ने भारत और जापान को ऑकस में शामिल करने की मांग उठाई है. ब्रिटेन के डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि चीन की बढ़ती आक्रमणता को देखते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाया जाए. ऑकस ट्रीटी को 15 सितंबर 2021 को इंडो पैसिफिक पर ध्यान देने के मकसद से की गई थी. अगर भारत ट्रीटी को ज्वाइन करता है तो इस ट्रीटी के तहत ऑकस के सभी कंट्रीज भारत से अपनी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजी, साइबर और समुद्र के नीचे उपयोग होने वाली दूसरी तकनीकों को भारत से शेयर करेगा. इस समझौते के तहत सबसे ज्यादा फोकस इंडो पैसिफिक में सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर होगा. इसका सबसे ज्यादा अहम मकसद इस इलाके में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नजर और उसकी काट ढूंढना है. नाटो जैसा गठबंधन इंडो पैसिफिक पर देख चीन सदमे में है. आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं. जय हिंद दोस्तों. खबरें ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है. ये जहन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्रायलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर. मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना. इंडिया इसको अवॉइड कर रहा है. ये जो है वो अगर आपको याद हो, क्वाड भी एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है. जापान एंड इंडिया को ऑकस में नहीं डाला गया. और ये वो जो फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस के जो तीन बड़े मेंबर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये, इनको जो है वो ये इसका हिस्सा बने. कैनेडा को भी नहीं डाला, न्यूजीलैंड को भी उस तरह नहीं डाला. जिस जो जो चीज़ें इंडिया को ऑफर की गई हैं, इंडिया ये तमाम चीज़ें लेना चाहता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ मिलिट्री अलायंस. और मैं जैसे क्वाड की बात कर रहा था, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उसमें भी इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इनटू एनी पैक्ट, कोई ट्रीटी नहीं है हमारी. क्वाड इज नॉट अ ट्रीटी. हम किसी के खिलाफ किसी महाज में नहीं है. यही चीज बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को खटकती है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज़ भी हमसे लिए जा रहे हैं और कुछ हमें देता भी नहीं है रिटर्न में. और ऑकस जो है वो जारी बात है इंडिया को की पार्टनर समझता है. वो कहते हैं इंडिया इज इम्पोर्टेंस इज वाइटल इन द इंडियन ओशन बिकॉज इंडिया इज अ बिगर प्लेयर. भाई जो इंडिया जो है वो अपनी नेवी को भेज रहा है रेड सी तक और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, नीचे वो केप ऑफ गुड होप तक भेज रहा है,
उधर वो सिंगापुर को ये कह रहा था, पायन अगले दिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि ये आपके घरों में जो चीज़ें आती हैं ना यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ये हमारी नेवी बेचती है, हम रास्ते में खड़े होते हैं, वरना वो पकड़ लेते हैं रेड सी वाले, ये वाले पायरेट्स आ जाते हैं, फलाने आ जाते हैं, चीनी जरा जी नेड़े आ गए कहते हैं। सो इट मीन्स इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एन एंटी चाइना अलायंस बट इन अ डिफरेंट वे। चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हम लड़ पड़ते हैं इंडिया के साथ तो किसका नुकसान होगा, चाइना का। तो इंडिया को खुश करो, नाले चाइना से प्रेशर पाओ, नाले डी रिस्क करो तो डी कपल भी करो। और इंडिया को चाइना को कहो नहीं नहीं ये अच्छा इलाका नहीं है। एक खत्ते के अंदर आप किसी इलाके में ऐसा माहौल बना देते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टर भाग जाता है। वियतनाम में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया, सॉरी ताइवान में, जब ताइवान में टेम्परेचर हाई किया, सारे जितने भी सेमी कंडक्टर और ये वो सारे जितने भी इन्वेस्टर थे सारे ने आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा निकलो इतो, इतने लड़ाई हो जानी है, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। जापान और फिलिपाइन जापान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो इसी हफ्ते वाइट हाउस में होंगे, और ये पहला ट्रायलेटरल एक आप समझ लें कि एक अलायंस बनने जा रहा है जिसमें फिलिपाइन भी है, जिसमें जापान भी है और जिसमें अमेरिका भी है। अच्छा, और दूसरा जो है वो ये कि कल मुलाकात में उन्होंने जो एलामिया बात हो रही है वो ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो इसमें और मुल्कों को शामिल करें जो चाइना के अगेंस्ट अलायंस बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें कौन से मुल्क और आते हैं ये देखना है हमने, हो सकता है इसमें इंडिया आ जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी उनके वजीर खारजा जो हैं वो फिलिपाइन गए थे जिसके ऊपर चाइना ने बड़ा सख्त मैसेज दिया था, तो वो भी आ सकता है, इंडिया भी हो सकता है इसका हिस्सा बने। क्वाड में तो वो पहले है, लेकिन ये कि क्वाड कोई बहुत ज़्यादा ये जो है ना सारे अलाइंसेज देखें, ये तो बड़ा वाजह है ना कि फिलिपाइन को तो वहाँ तो मार्कोस जूनियर का आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो उससे पहले तो मार्कोस जूनियर से पहले तो फिलिपाइन चला गया था बहुत हद तक चाइना की तरफ, तो मार्कोस का आना बहुत है। जापान किस हद तक जाता है किस हद तक नहीं जाता, क्योंकि वो अपने इंडिपेंडेंट भी उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम वेपन्स अपने बना के दुनिया में बेचेंगे, तो वो 60 साल पहले का जो माहदा था दूसरी जंग अजीम वाला कि जी जापान का सारा दिफा जो है वो रहेगा अमेरिका के पास, उससे वो जापान भी बाहर निकल रहा है और वो निकलना चाहता है बाहर। लेकिन ये कि ये बहरहाल ये अच्छा, कल जो मैं बात कह रहा था वो ये कल इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी लेवरोव जो हैं वो जा रहे हैं कल चाइना। अच्छा, उनका चाइना जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन के दोबारा